शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं गौतम रोडे। स्वागत करता हूं आपका जुर्म और जज्बात के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात में हुए एक जुर्म की, जहां आधी रात एक इंसान एक मेडिकल स्टोर को आग लगा देता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान हर किसी के लिए अच्छा हो। हर इंसान किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा। तो आइए देखते हैं आज के केस में किस तरह हावी होकर जज्बात अंजाम देते हैं एक संगीन जुर्म को। आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या धंधा करूं और कहां करूं? शंकर, मेरा वो मतलब नहीं था, और तू बच्चों वाली बात तो कर मत। अरे, ऑलरेडी मेरा एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, अब दूसरा मेडिकल स्टोर खोलने क्या मतलब है? किसका फायदा होगा? ना तेरा होगा ना मेरा होगा, समझ रहा है तू? देख, मेरी बात समझ। ये खाने पीने की चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मार्जिन है। अरे तू कोई खाने पीने की दुकान खोल ले, कॉफी शॉप खोल ले। अभी देख इधर, शाम को लाइन लगती है कॉफी के लिए। हाँ, तू हार्डवेयर का बिजनेस कर ले, मैं तेरी मदद करूंगा ना। जब आपको सब पता है तो आप ही स्टार्ट कर लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शंकर, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। बिजनेस ईगो से नहीं होता है। और एक बात और, मेरा मेडिकल स्टोर होते हुए ना, तेरे मेडिकल स्टोर से कोई एक डाइपर तक नहीं खरीदेगा। तेरा धंधा डूबेगा ना तब तू समझेगा। ठीक है, तो फिर टेंशन क्या है? आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है, पछताएगा तू। हाँ, ये लीजिए आप, ये आपकी शाम को खानी है, ये आप सुबह शाम लीजिएगा, और ये आप ब्रेकफास्ट से पहले लीजिए। वो क्या है ना, स्ट्रांग दवाई है, गैसेस होती है ना, उसके लिए 150 दे दीजिए। मधु, ये 50 देते नहीं है। सर्दी बुखार की गोली है? सर्दी बुखार की 20 रुपए दीजिए। ठीक है मधु, चलो। अच्छा, चेक करना स्टॉक में एंटीबायोटिक है क्या अपने पास। भाई, नारियल तो फोड़। अरे हाँ, आपने बोला था कि आपने उसको समझाया है, इसके स्टोर का तो ओपनिंग भी हो गया। समझाया था ना, लेकिन समझा क्या? ये धंधा करने के लिए नहीं खोला इसने, हमारे पेट पे लात मारने के लिए खोला है। अरे बधाई हो यार, आखिर में मेडिकल खोल ही दिया तूने तो। हाँ भाई, आखिरकार मैंने मेरी खुद की मेडिकल स्टोर खोल ही ली। इसका मेडिकल स्टोर तो हमसे भी बड़ा है। अरे मधु, मेडिकल स्टोर बड़ा होने से धंधा थोड़ी ना बड़ा हो जाता है। हमारा कितना पुराना मेडिकल स्टोर है, अरे रेपुटेशन भी तो है हमारी। अरे ये खाली डाइपर बेचता रहेगा यहाँ बैठ के, धंधा नहीं करेगा, देख लेना तू। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, लो आप भी लो। एक पेन किलर देना। हाँ देता हूँ। परेशान मत हो, मैं वॉशरूम में आता हूँ। दुकान पे रहना, कोई ग्राहक आए तो देख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। Thank you.
कोई माउथ फ्रेशनर नहीं है क्या? नहीं, वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो कोई इम्पोर्टेड च्युइंगम तो होगा ही? नहीं, वो दो तीन दिन में आ जाएगा। अरे भाभी, ऐसे दुकान में माल नहीं होगा तो धंधा कैसे चलेगा? थोड़े दिनों में सब स्टॉक आ जाएगा। आप देखिए कोई चॉकलेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए। हाँ भाई सब क्या चाहिए? ये क्या कर रहा है? मैं तो क्या कर रहा है ये? अरे वो उनको एक्चुअली मना किया था ना। अरे वो सिर्फ च्युइंगम। अच्छा है साले में। हाँ दिवाकर, अभी जो भी साइड में माल वाल पड़ा है सब साइड में करके यहीं पर सो जाओ, और सुबह जल्दी उठ जाना, माल सुबह जल्दी आने वाला है, पूरा स्टॉक टैली करके तब उसको छोड़ना, समझ गए? ठीक है, चलो सो जाओ आराम से। हाँ चलो, गुड नाइट। स्टेशन चलोगे? हाँ भाई चलूंगा ना। बाप रे, लगता है पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर जल गया है। एक नया मेडिकल भी खुला है यहाँ। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, शक तो किसी पर नहीं है। जिस लड़के की जली हुई बॉडी मिली है वो रोज यहीं पर सोता था क्या? नहीं सर, हमेशा नहीं सोता था। कल कुछ माल आने वाला था तो मैंने ही बोला था उसको यहां रुकने के लिए। सर वो नहीं रुकता तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, आग लगाने वाले का वीडियो उसमें जरूर कैप्चर हुआ होगा। ठीक है सर। हवालदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे भी इसने समझाने चला था। भैया एक पैरासिटामोल की गोली देना। हाँ देता हूँ। कितना हुआ सर? 50 रुपए। थैंक यू। ठीक है।
दौड़ रहा है। मेडिकल स्टोर का न्यूज देखा? हाँ, सुबह पैसेंजर को लेके जा रहा था तो देखा मैंने। मेडिकल तो गया लेकिन वहाँ काम करने वाला लड़का जल के मर गया। कोई भी आस्था हो लेकिन मरता साला गरीब ही है, कोई मालिक क्यों नहीं मरता कभी। अरे चाय तो पी के जा। बनने का है क्या तेरे को? अरे दिवाकर भाई बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। अरे मैं उधर ही जा रहा हूँ, बैठो बैठो। ठीक है। और भाभी की तबीयत कैसी है अभी? क्या बताऊँ, आधी कमाई तो डॉक्टर और दवाई में ही चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता लोगों की तकलीफ देखने के बाद ये डॉक्टर लोग पैसे कैसे मांग सकते हैं। पैसे नहीं लेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा भाई? तो इनकी तुलना भगवान से क्यों करते हैं पढ़े लिखे लोग? अरे मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्टर और दवाई के चक्कर में मैं एक चप्पल तक नहीं ले पाया हूँ पिछले 4 महीने से। मैं एक बात बोलूँ, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ एक बार। मतलब और महंगा? वैसे तुम्हारी दुकान से सीधे दवाई नहीं ले सकते, मेडिकल वालों को भी तो जानकारी होती है ना कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, इतनी तो जानकारी होती है उन्हें। बिल्कुल होती है, हमारे मेडिकल में बहुत से लोग तो रवि भैया से पूछकर ही दवाई लेते हैं, सबको सूट भी करती है। आप ट्राई करके देखो, अच्छी दवाई देते हैं वो। अरे नहीं ये नहीं ले सकता मैं। क्या हुआ? अरे भाई डॉक्टरी तो नहीं पढ़ी मैंने लेकिन मेरे लिए पैसे से ज्यादा इंसानियत बड़ी है। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? साहब मेडिकल में कोई आदमी भी था क्या? हाँ बेचारा पूरा जल गया था, कुछ लड़कों ने मोबाइल में उसकी फोटो भी ली थी, मुझसे तो देखा ही नहीं गया। अगर आप देख लेते ना तो पूरी रात नींद नहीं आती। पुलिस आई थी उसकी बॉडी को लेके गई पोस्टमार्टम के लिए। रवि आपने अभी तक चेंज नहीं किया? हाँ वो अभी करता हूँ। आपने पुलिस को ऐसा क्यों कहा कि आपको किसी पर शक नहीं है? मधु और क्या करता मैं, और किस किस का नाम लेता? ये आग मुझे बर्बाद करने के लिए लगाई गई थी या फिर दिवाकर को किसको पता ही है? दिवाकर भाई कैसा चल रहा है सब मेडिकल में? अभी तो सब ठीक चल रहा है। चलो अच्छा है। तुम बैठो बातचीत करो, मैं लेकर आती हूँ चाय। अरे नहीं तुम रुको ना, बस उबलना बाकी है, मैं लेके आता हूँ ना। रुको रुको मैं लेके आता हूँ। और भाभी तबीयत अभी ठीक ठाक तो है ना? हाँ ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा बहुत आराम मिलता है कभी कभी। अब देखना भाभी आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अरे भाभी ये गोपाल ना हाथ धोके डॉक्टर के पीछे पड़ गया। अरे क्या बताऊं, ये डॉक्टर लोग है ना बहुत खराब होते हैं। अगर उनको हाथ का दर्द दिखाने जाते हैं तो ये लोग नाक कान की जांच लिख देते हैं। अब भी मैं बता रहा हूँ सारा ना कमीशन का चक्कर है। अरे भाभी आप नहीं जानती हो, ये पैसे वाले ना हर एक चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। भूख ना लगने पर, फिर ज्यादा खाना खाने पर, नींद ना आने पर, यहाँ तक कि उदास रहने पर भी, डिप्रेशन का इलाज कहते हैं उसको। लेकिन तुम्हारी भाभी का इलाज नहीं कर पा रहे ये। अच्छा मैं
ये नया टॉनिक है, भाभी को पिलाओ, भाभी को भी इससे फायदा होगा। बहुत महंगा है। अरे प्रमोशन के लिए आया था, फ्री में आते रहते हैं। चलो अच्छा है, ये देखो तुम्हारे लिए ये नया टॉनिक मिल गया, इसे पी के बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और इससे ताकत भी मिलेगी। बिल्कुल। ये दोनों कभी देखा नहीं, पता नहीं कौन है ये लोग और दिवाकर के साथ इनका क्या मामला था, कभी दिवाकर ने बताया नहीं इनके बारे में। ये यहां से नाइट शुरू होती है, ये देख हो सकता है ये उन्हीं दोनों में से एक हो। सर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर एक आदमी है जिसे मेरे बिजनेस से बहुत तकलीफ थी, सर उसने जानबूझकर मेरे मेडिकल स्टोर के बगल में अपना मेडिकल शुरू किया। कौन है वो? सर न्यू मेडिकल वाला शंकर। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा घुमाओ उसको, घुमाओ ये साइड, ये साइड देखो, बाहर का पूरा एंट्रेंस आना चाहिए। अब बराबर है, बराबर। सीसीटीवी लगा रहे हो? मेडिकल स्टोर तुम्हारा है? जी सर मेरा ही है। वैसे आपको क्या चाहिए? देखो भाई गोली मत देना, सीधे सीधे सवालों के सीधे सीधे जवाब देना। क्या हुआ साहब? खुद का मेडिकल स्टोर बनाते ही दूसरे का फूंक दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर इसी एरिया में मेडिकल स्टोर लगाने की जरूरत क्या थी, पैसे कमाने के लिए या फिर दूसरे को बर्बाद करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, लगता है किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा तो आप सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर सच ये है कि मेरा मेडिकल का प्लान सुनते ही आग लग गई थी रवि को। सर मुझे इनडायरेक्टली धमकाने भी आया था। शंकर तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, बिजनेस ईगो से नहीं होता है। और एक बात और, मेरा मेडिकल स्टोर होते हुए ना तेरे मेडिकल स्टोर से कोई एक डायपर तक नहीं खरीदेगा, तो तेरा धंधा डूबेगा ना, तब तो समझेगा। ठीक है तो फिर टेंशन क्या है, आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है, पछताएगा तू। सर तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरा खुद का मेडिकल स्टोर जरूर खोलूंगा और वो भी इसी एरिया में। उसके बाद फिर कस्टमर के पास अपनी चॉइस हो गई, और सर वैसे भी उसके मेडिकल स्टोर से तो मेरा मेडिकल स्टोर काफी बड़ा है। अब सर मुझे कुछ करने की जरूरत ही कहां थी, और सर मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था, नुकसान तो उसी का हो रहा है ना, और फिर आग लगने से सबसे ज्यादा डर तो मुझे ही होगा। वैसे सर एक लड़का था जिसे वो अपने मेडिकल के आसपास भी देखना नहीं चाहता था। ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसको ऐसा करना पड़ा? मैटर काफी पर्सनल है, जरा एक मिनट आइए ना प्लीज। सर सर उस लड़के की गंदी नजर थी उसकी वाइफ पर। आपका छुट्टी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। हाँ, यहाँ पे वैसे भी चिलर का बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए मैं आपका कल का प्रॉब्लम भी एडवांस में ही सॉल्व कर देता हूँ। कुछ चाहिए क्या आपको? लिप बाम मिलेगा क्या? हाँ है ना, क्या है ना लिप्स बड़े ड्राई हो जाते हैं। कौन सा फ्लेवर दूँ? कोई भी दे दीजिए, ऐसा कोई जिससे लिप्स सॉफ्ट रहे। ठीक।
एक काम कीजिए, फ्रूट फ्लेवर दे दीजिए। ओके, एक मिनट। क्या बात है, कितना हो गया? हो गए, आपने जो दिए वो। अच्छा हुआ तुम आ गए। कुछ काम था क्या? हाँ, है ना, एक छोटा सा काम। करोगे ना? हाँ, करेंगे ना। चलो ना, बाहर बताता हूँ। चलो चलो। चलिए। चलो। कुछ हो गया क्या भाई साहब? हाँ? बात क्या है भैया, ये तो बताइए। जरूरी बात है, बताते हैं ना आराम से। हाँ? अकेले में। चलो। हाँ, पर काम क्या है ये तो बताइए। हाँ, बताता हूँ ना, बताता हूँ। अरे मैंने क्या किया? साले तेरी सब चाल समझता हूँ मैं, ज्यादा नाटक मत कर, समझा? मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ, आपको ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल। और याद रख, मेरे मेडिकल स्टोर सामने दोबारा नजर मत आना, तो वरना तुझे मैं सही कर दूंगा। सर वो लड़का काफी मन चला था और उस दिन। हाँ भाई साहब, क्या ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? अरे वो उनको एक्चुअली तुझे मना किया था ना, अरे तुझे मना किया था ना? उस दिन रवि के सर पर खून सवार था, वो तो लड़के की किस्मत अच्छी थी कि वो उसके हाथ नहीं आया। ये दे। जिस तरह दुश्मन का दोस्त अपना दुश्मन होता है, कुछ ऐसी ही दुश्मनी है इनके बीच। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इन दोनों की दुश्मनी इससे नहीं है, इसके किसी दोस्त से है। दोस्त से? लेकिन कैसी दुश्मनी? इनका कहना है कि इनकी बहन की मौत का जिम्मेदार इसका बहनों ही है, और ये दिवाकर है, ये दिवाकर उसकी बहुत तरफदारी कर रहा है इस वजह से, और बात इतनी लंबी हो गई कि मरने मारने तक पहुंच गए। एक बात बताओ, दिवाकर के किसी दोस्त को जानते हो तुम? हेलो राज। हाँ? आप कौन? ये तो मिलके ही बताऊंगी। अरे आप बताएंगी नहीं तो मैं पहचानूंगा कैसे? मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ ना, बस वही काफी है। अरे आप भी कैसी हैं, बताइए ना। अब ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पानी पूरी खिलाओगे तो आज मिल सकते हैं 6 बजे पटेल चाट कॉर्नर। ठीक है, मिलते हैं 6 बजे। हेलो हेलो, पास तो बज गए। रिक्शा को भी आज ही नहीं मिलना था। बोल। मैंने क्या किया? मैं तो आपके मेडिकल स्टोर पे आया भी नहीं हूँ उस दिन से। क्यों आएगा तू, जलाने के बाद क्यों आएगा साले? बोल तूने क्यों जलाया मेरे मार्केट? अरे मैंने कुछ नहीं किया रवि भैया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तेरी सोचा था तू बच जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। साले तेरे दिवाकर की जान चली गई। नाटक करता है तू, नाटक करता है। साले कितना भागेगा तू, छोड़ूंगा ना तुझे मैं।
और इस हादसे के कारण रवि का अच्छा खासा बिजनेस खाक में मिल गया। वहीं शंकर के मेडिकल को इसका पूरा बेनिफिट मिल रहा था। रवि को लगने लगा कि उसके सारे कस्टमर्स अब शंकर के कस्टमर बन जाएंगे। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बिजनेस को वापस कैसे खड़ा करे। ऐसी परिस्थिति में इंसान के अंदर गुस्सा और इरिटेशन का आना स्वाभाविक है, लेकिन जज्बात अगर लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो इंसान के हाथों जुर्म होने में देर नहीं लगती। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि रवि खुद के क्रोध पर काबू पाने में सफल होता है या नहीं। ये लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। नहीं पीना अभी। ये अभी आप क्या देख रहे हो आराम करने के बदले? चलो ये लो दूध पी लो और बंद करो ये सब। अरे नहीं पीना बोल दिया ना। अरे लेकिन ये दूध पी लीजिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं था क्या? बोला नहीं पीना ना। दिवाकर के किसी दोस्त को जानते हो तुम? अरे दिवाकर भाई, रहने दीजिए। क्यों? अरे मैं आपसे पैसे लूंगा। अरे रख लो। अरे ना। नहीं, नहीं, अब जाइए। ठीक है, अगली बार लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पक्का। चाय बिस्किट खाओगी ना तुम तो एकदम ठीक हो जाओगी, और उसके बाद तुम्हें दवाई भी तो खानी है। चलो बैठो, ये खिचड़ी खाओ। अरे मैं, चलो ये खाओ। अरे खाओ खाओ खाओ, मैं खिला रहा हूं ना। ये हुई ना बात, थोड़ा और। मैं खुद खा रहा। अरे मैं खिला रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेके आ रहा हूं। थोड़ा और खाओ ना। नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा ठीक है, दवा खाओ। चलो चलो ये लो, खाओ खाओ। बस। अच्छा मैं ना आते टाइम शनि मंदिर गया था, तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आया हूँ। ये लो, हाँ इसे खा के ना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं
असल में बता रहा हूँ। बहुत इल्जाम है तुझ पर। मेडिकल स्टोर में आग लगाना है, दिवाकर की हत्या, और तेरे ससुराल वालों का कहना है कि तेरी बीवी भी तेरी गलत दवाइयों की वजह से मरी है। सब बताता सब बताता। हाँ साहब, साहब सच कह रहे हैं वो। मैं दो पैसे कमाने में जिंदगी बिता दी और साहब दो पैसे बचाने में मैंने जिंदगी गंवा दी। साहब साहब मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था साहब। साहब वो अक्सर बीमार रहती थी। अरे सोनी, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा। अरे ये सब छोड़ो, ये सब मैं देख लूंगा, तुम आराम करो। चलो खाली पेट जाओगे क्या काम पर? अरे तुम सिर्फ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, ठीक है? ये सब मैं देख लूंगा। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अभी देखो। तुम नहीं मानोगी ना? देखो तो एकदम ठीक हूँ, क्या दिक्कत है? ये डॉक्टर की पर्ची कहाँ गई? ये डॉक्टर लोग भी ना पता नहीं क्या लिखते हैं, ये लिखते भी हैं या फिर कलम घिस देते हैं। अच्छा सुनो, मैं ना दवाई लेके आता हूँ और तुम सिर्फ इसी को बनाना और इसके बाद आराम कर लेना। हाँ पक्का। पक्का कर लोगी ना? बोल रही हूँ ना मैं। ठीक है पक्का आराम कर लेना, मैं जाता हूँ। ये लो भाभी की दवाई। कितना हुआ? 2010। 2010? इतने में तो मेरे पूरे घर का महीने का राशन आ जाता। अरे गोपाल, जिंदगियां बचाने के लिए लोगों को लाखों खर्च करने पड़ते हैं, 2000 भी बोल रहे ज्यादा आगे। डॉक्टर और दवाई में सारा पैसा चला जाता था साहब, और मेरी बीवी अक्सर बीमार रहती थी जिसकी वजह से मैं ज्यादातर घर से बाहर भी नहीं रह सकता था साहब। ये लो दवाई खा लो। सोनी ठीक हो? अच्छा चलो पानी पियो, पानी आराम से। ये लो चलो सो जाओ। सब बात खर्चे की नहीं थी, बात ये थी इतना कुछ करने के बाद भी सोनी की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था साहब। साहब सब पे परेशान हो गया था डॉक्टरों से। अरे मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्टर और दवाई के चक्कर में मैं एक चप्पल तक नहीं ले पाया हूँ पिछले 4 महीने से। मैं एक बात बोलूँ, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ एक बार। मतलब और महंगा? वैसे तुम्हारी दुकान से सीधे दवाई नहीं ले सकते, मेडिकल वालों को भी तो जानकारी होती है ना कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, इतनी तो जानकारी होती है उन्हें। बिल्कुल होती है, हमारे मेडिकल में बहुत से लोग तो रवि भैया से पूछकर ही दवाई लेते हैं, सबको सूट भी करती है। आप ट्राई करके देखो, अच्छी दवाई देते हैं वो। उसके बाद में रवि भाई से पूछ के दवाई लेने लगा और साहब सोनी की हालत में सुधार भी हो रहा था उससे। साहब मुझे ना रवि भाई पे पूरा विश्वास हो गया था। अरे अरे अरे,
ये तुम क्या कर रही हो? अरे कोई बात नहीं, अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बोल रही हूँ, अब आराम है मुझे। आज बहुत काम हो गया, इसे रखो, मैं करता हूँ। चलो तुम भी ना, इधर चलो, आराम करो, चलो। लेकिन एक रात जब मैं घर लौटा तो सोनिया दर्द में थी और वो रो रही थी। मैं तुरंत रवि भाई के मेडिकल की तरफ भागा। रवि भाई, वो दर्द और चक्कर वाली दवाई देना। गोपाल, ऐसे दवाई नहीं दे सकते, तुमको मैंने पहले ही बोला था ना। अरे डॉक्टर को दिखा लो ना एक बार, अगर तबीयत खराब है तो। भाई अभी टाइम नहीं है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, दर्द और कमजोरी के कई कारण होते हैं, एक बार दिखा लोगे तो इलाज अच्छा हो जाएगा। रवि भाई, वो आप जो हर बार देते थे ना, वही दवाई दे दो, उससे ना हर बार फायदा मिलता है। अब जल्दी से दे दो। मैं अभी दे दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से डॉक्टर को दिखा के प्रिस्क्रिप्शन लेके आना, ठीक है? हाँ। ये सुबह शाम देना, ठीक है? और दिखा लेना याद करके। हाँ भाई। गोपाल, मैं आता हूँ ड्यूटी के बाद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सोनी, क्या हुआ? क्या हुआ? एक सेकंड। ये दवा खाओ। ये दवाई ले जाओ, जल्दी लो, ये दवा लो, ठीक हो जाओगे। जल्दी खाओ, जल्दी। देखो मैं तुम्हारे लिए प्रसाद भी लेके आया, ये प्रसाद खाओ और तुम ठीक हो जाओगी। ये रहो, खाओ खाओ खाओ, अभी तुम ठीक हो जाओगी। सोनी सोनी, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं चलता हूँ। क्या हो सोनी 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 सोनी, क्या हुआ? सोनी उठो ना, डॉक्टर के पास चलते। सोनी 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 साहब, जब इसके बारे में मैंने सोनी के घर वालों को खबर की तो सब वो मुझे ही सोनी का हत्यारा कहने लगे। लगता है खुद ही डॉक्टर बन गए थे। प्रिस्क्रिप्शन से दवाई कोई मैच ही नहीं हो रही है, दो पैसे बचाने के चक्कर में मार दिया ना मेरी बहन को। डॉक्टर की दवाई से कोई फायदा नहीं मिल रहा था तो खुद डॉक्टर बन गए। कितने तक पढ़े हो? मैट्रिक भी पास की है? बोलते क्यों नहीं? जानबूझकर गलत दवाई देकर मार दिया ना मेरी बहन को। भाई, आपसे ज्यादा दुख इसे है भाभी के जाने का। तुम बीच में बोलने वाले कौन? मैं इसका दोस्त हूँ। भाभी की बीमारी में उनकी देखरेख यही करता था, आप लोग नहीं। फोन पे खैरियत पूछने से रिश्ते निभ नहीं जाते, और इतनी ही फिक्र थी तो मदद करते गोपाल की। बहन को जीते जी देखते यहाँ आकर। दिवाकर, शांत हो जाओ। साहब, दिवाकर ने मेरी बहुत मदद की है। साहब, उसने मेरे लिए अंकित से भी दुश्मनी मोल ले ली। साले रुक, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। अरे हुआ क्या है? हीरो नहीं बली का बकरा बन जाएगा। जिसने तेरे लिए दूसरों से दुश्मनी मोड़ ली, तूने उसे ही फूंक दिया। साहब वो बात नहीं है, सोनी के घर वालों के ताने सुन सुनकर मैं खुद को ही दोषी मानने लगा था। और साहब, फिर इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने ये इल्जाम किसी और पर डालना चाहा। साहब, तुम्हारी दी हुई दवा खाते ही मर गई है वो। यहाँ क्या बता रहा है? तुझे बोला था ना अगर सीरियस है तो डॉक्टर को दिखा ले। यहाँ तुमसे आगे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? तुमने ही मारा है मेरी बीवी को। क्या बकवास कर रही है? गोपाल, क्या कर रहे हो? क्या फायदा ये सब से? फायदा नुकसान मैं नहीं समझता, मैं बस इतना जानता हूँ कि दुकान वाला चोर है। चोर बकवास कर रहा है, निकल बाहर। मुझे चोर बोलता है? हाँ दिवाकर, दोबारा ये दिखना नहीं चाहिए यहाँ। बेकार साला।
भाग यहां से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल भाग। गोपाल साहब, मेरा दुख और पछतावा अब बदले की आग में बदल गया। मुझे नहीं पता था कि दिवाकर भी उस रात मेडिकल के अंदर था। साहब, मैं अपनी बीवी और दोस्त दोनों का हत्यारा हूं। साहब, इस केस में सभी गोपाल के जज्बात और इलिटरेसी का शिकार बने। महंगाई या अच्छे डॉक्टर्स की कमी की वजह से अधिकांश लोग डॉक्टर्स के पास और अस्पताल जाने से बचना चाहते हैं, यह जानते हुए भी कि उनका काम हमारी जान बचाना है। ये बात काफी चिंताजनक है। पेशेंट्स अगर शिक्षित ना हो तो उनकी छोटी सी गलती या लापरवाही का खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ता है। अगर सोनी की हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो गोपाल को किसी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए था। लेकिन जब परिस्थिति सामान्य ना हो तो इंसान का विवेक कमजोर पड़ ही जाता है। इलिटरेसी के कारण गोपाल ने अपनी पत्नी को खो दिया और पछतावे और बदले की आग में उसने अपने हमदर्द, अपने सच्चे साथी को भी खाक कर डाला। इसलिए दोस्तों याद रखें कि कोई भी जज्बात अगर उकसाने का काम करें तो कुछ देर के लिए विचार करें, उसके रिजल्ट के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि अंजाम की परवाह करना कायरता नहीं होशियारी होती है। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।